नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा के थाना वज़ीरगंज इलाके की खबर दिखाने जा रहे हैं। ये खबर है कि थाना वज़ीरगंज क्षेत्र के ग्राम चौखट में उस वक्त गांव के दबंगों ने अपने ही गांव के आशीष कुमार का कई कीमती हरा पेड़ काट डाला। जब उन्हें इसी गांव की एक पक्की सड़क बनाने का ठेका मिल गया था और इसी सड़क बनाने के बहाने चौखट गांव के सड़क ठेकेदारों ने आशीष का गन्ने का खेत बर्बाद करने के साथ साथ कई हरे पेड़ काट डाले और ये पेड़ जो काटे गए हैं वो रंजिशन काटा गया है। जो खेत में लगे थे उसका सड़क निर्माण से कोई वास्ता नहीं था, उसे काट कर और जेसीबी से उखाड़ दिया, जिसकी शिकायत आशीष ने शासन प्रशासन से की, साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को भी दी। वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ काटने वाले ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में वज़ीरगंज पुलिस शांत बैठी है और पीड़ित का मदद करने के बजाय ठेकेदारों की मदद कर रही है। पीड़ित को बुलाया कि हम तुम्हारा मामला दर्ज करेंगे, तुम्हारी शिकायत पर हम ठेकेदारों पर कार्रवाई करेंगे और जो जेई ने लापरवाही की है उसकी भी हम जांच करेंगे, लेकिन वज़ीरगंज पुलिस ने ज़रा भी कोई कार्रवाई नहीं की। बताते हैं कि वज़ीरगंज पुलिस किसी बड़े भाजपा नेता के दबाव में आ करके शांत बैठी हुई है और ठेकेदारों की मदद कर रही है। इससे जो है पीड़ित आशीष कुमार और उनके परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि इस मामले में जो चौखट गांव के प्रधान हैं उन्होंने भी जो है इस पर नाराज़गी जताई है और तुरंत कार्रवाई का जो है कार्रवाई करने के लिए उन्होंने शासन प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया है। हालांकि इस संदर्भ में एसडीएम तरबगंज को लिखित शिकायत पत्र दी और एसडीएम ने कार्रवाई के लिए जो है वज़ीरगंज पुलिस को निर्देश दिया, फिर भी वज़ीरगंज पुलिस ने इस नाम सुन नारायण कहाँ रहते हैं चौखट किस थाना क्षेत्र में है वज़ीरगंज क्या मामला है आपका हमारा 20 बीघा के गन्ना खोद के मारिन है प्रस्त कई दिन है मैं रात में 12 बजे और 2 बजे के बीच में खोदिन सूचना हमार गन्ना सब नष्ट करके बेकार कर दिन वोट के रंजिश के मामला से रतना हमार छत पहुँचाएँ करीब 20 लाख 2 चक के मिलाए के। किसने पहुँचाया 20 लाख के लगभग बहाइन है ठेकेदार शिव नरेश सिंह अच्छा उस ठेकेदार हैं ठेकेदार हैं उनके लगभग 10-12 गुंडा पाले हैं वो ज़बरदस्ती कहें कि अगर यह करे किनारे आवत हो तो हम अब यही जेसीबी से दाब दिया वैसी हमें खड़ा हो नहीं दी अच्छा कितना बीघा गन्ना था हमारे भाई के हमार मिला है कि हमारे गन्ना हुए 22 बीघा मौका पर है यहाँ खड़ा है अच्छा पूरा खोद डाले पूरा खोद डाले कितना नुकसान हुआ अब हमारा कम से कम 20 लाख का नुकसान यहाँ से हमारे चक्कर तो आप थाने पर नहीं गए थाने पर हम गए तो थाने पर तहरीर दी हमार रिपोर्ट नहीं लिखागा कोनो सुनवाई नहीं की अच्छा और लेखपाल का आदेश हम लेके जन पेड़ चक कुल दिन लेकिन हमार कोई सुनवाई उन्होंने नहीं किया अच्छा यशो साहब से मिले थे यशो हम गए मिले एक जने नायब आए नाव नाई हम जाने वे देख के गए वे कहें कि रिपोर्ट ये गलत है ये खोदे गलत हैं लेकिन कुछ कहन नहीं अच्छा किसी दबाव नहीं किया ये दबाव शासन सत्ता का ये गुंडा खुद हैं ऐसे जबरदस्त का आदमी ठेकेदार गुंडा हैं सब गुंडा आदमी हैं उनके साथी 10 गुंडा पाले हैं अच्छा ऐसे हम
वैसे खड़ा नहीं हो देते हैं। सड़क कहाँ से कहाँ बन रही है? ये सड़क बन रही है वजीरगंज जलाही मार्ग अहिरनपुरवा से चौधरी पुरवा तक है। अच्छा, कितना दूरी है? 900 किलोमीटर। ये 900 मीटर दूरी पर है, जबकि 200 मीटर सरकारी पहले से बनी है और ओकरे बाद में है, लेकिन वहू पर ग्राम सभा के पेड़ चक बगल है, वह खुदाईधीन है। ज़बरदस्ती बेईमानी से पेमेंट लिए के मारा वहाँ पर कि हम यहाँ 200 मीटर के लगा के हम पैसा निकाल लें। अच्छा, वो ग्राम सभा का है? वो पेड़ तो ग्राम सभा के वो इसी के महुआ के है, लेकिन ये जो सड़क है वो विष्णु विधायक अपने उसे मंडी समिति से दिया है। वह सरकसन अपने गुंडई के बल पर वह पर नियम का उल्लंघन। डीएम साहब से शिकायत नहीं किए? हम डीएम के लगे एप्लीकेशन, डीएम के लगे और पुलिस अधीक्षक लगे, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ दिया, हर विभाग में गए, लेकिन हमार कोई कहीं सुनवाई नहीं होती है। बैठाओ, नहीं बैठाओ।